नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आप सभी के समक्ष मैं पुनः जो है एक बार आया हूं, और वो UPSSSC जो PET की परीक्षा हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखपाल की आपकी वैकेंसी आने से पहले उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पहली विज्ञप्ति PET के द्वारा होनी थी, वो आज जारी हो चुका है। पाठ्यक्रम क्या रहेगा और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, कितने मार्क्स का होगा, अभी अभी आपके UPSSSC के द्वारा आपकी पहली विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। पद भी अच्छे खासे हैं, तो कौन सा पाठ्यक्रम होगा, जिन्होंने कोर्स कर रखा है NM वगैरह का, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और इसकी तैयारी संपूर्ण रूप से परीक्षा प्लस संस्थान के द्वारा आपको करवाई जाएगी। बहुत जल्द ही इसके लिए आपके कोर्स के मानक पूरे, इसके नोट्स वगैरह, इसकी क्लासेज, इसकी टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलना प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं इस नोटिस में क्या क्या चीजें आपकी दी गई हैं, यानी इसका जो पाठ्यक्रम तय किया गया और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो तय किए गए हैं वो कितने हैं। अभी आपकी 9 नवंबर की ये नोटिस है, यानी कुछ देर पहले ही आपकी जारी की गई है, और इसमें जो चीजें आपकी बताई गई हैं कि जो महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ है, इसके नियंत्रणाधीन जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं यानी महिलाओं के रिक्त पद 9212 पदों के प्राप्त अधियाचन में, ठीक है, 9212 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ था, और इसके द्वारा 3 नवंबर को के अंतर्गत जो परीक्षा की आपकी जो है पाठ्यक्रम की स्वीकृति दी गई, उसके बाद परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है। और इस परीक्षा में आपकी जो परीक्षा योजना है इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा योजना में आपसे जो पैटर्न पूछा जाएगा, विषयगत आपके ज्ञान से संबंधित सवाल होंगे, और जो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 सवाल आने हैं, और एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और जो समय है वो 120 मिनट का दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं ये जो परीक्षा होनी है, यानी PET का मेन समझ सकते हैं, 100 सवाल होंगे, 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, सब के सब आपके MCQ जो है बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और हर एक प्रश्न एक अंक का होगा, ऋणात्मक अंकन भी दिया जाएगा, जो गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4, यानी आपका 25% आपका नकारात्मक, अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। अब इस पर बात करते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या दिया गया है, तो ध्यान दीजिए पाठ्यक्रम बहुत कॉमन सा दिया है, ऐसा नहीं है कि जिसको आप तैयार नहीं कर सकते हैं, और इसकी परीक्षा भी जल्दी होगी, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका कुछ ही दिनों में लेखपाल का विज्ञापन आ जाएगा, तो उस तरफ भी तैयारी अच्छी रखिए। ANM की पहली आपकी PET के द्वारा पहली जो वैकेंसी होनी थी वो ANM की होनी थी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की होनी थी, और इसके पाठ्यक्रम में जो आपका दिया गया, मतलब आपके विषयगत ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा, तो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व क्या क्या है, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप और योजनाएं क्या क्या है, SC PSC, ठीक है, CMC और जिला अस्पताल का संगठन कैसे होता है, स्वास्थ्य संस्थाओं से सवाल होंगे, जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNFPA हो गया, UNDPA हो गया, विश्व बैंक है, FAO है, ठीक है, डेनिडा है, इन सभी के कार्य क्या होते हैं, वर्किंग कैसे करते हैं, किन किन क्षेत्रों में इनके काम होते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सारे सवाल होंगे, और यूरोपीय आवास जो है आयोग से, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में पूछेगा, अमेरिका सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान जो है, फिर आपका ILO, KR आदि, जब हम राष्ट्रीय की बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों में, कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं जहां से सवाल बनेंगे उनमें इंडियन जो रेड क्रॉस है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इन सब मुद्दों से, इन सब संस्थाओं से आपसे सवाल बनेंगे। पांचवा जो आपका बिंदु दिया है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व, ANM के जो कार्य होते हैं और इनकी ड्यूटी क्या होती है, उससे सवाल होंगे, ANM के लिए आचार संहिता क्या होती है, ठीक है, उससे संबंधित सवाल होंगे, समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी की आपसी संबंध क्या है, न्यूट्रिशन से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार क्या होना चाहिए, प्रॉपर मील क्या होना चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग, महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता, ठीक है, इससे भी सवाल पूछे जाएंगे, और 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण, पोषण में ANM या फिर आपका FSW या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है, इससे सवाल होंगे, मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली, उनके कार्य क्या क्या है,
ये पूरा पूछा जाएगा। शरीर की स्वच्छता से सवाल होंगे, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, ठीक है, किनके किनके कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलते हैं, इन सबसे सवाल बनेंगे। संक्रामक रोगों के नियंत्रण और रोकथाम हेतु सामान्य उपाय क्या किए जाने चाहिए, इनसे सवाल होंगे। संक्रामक रोग से सवाल पूछेंगे, उनके लक्षण क्या है, बचाव उपचार क्या है, जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला जिसको गलसुआ कहते हैं, रूबेला, आत्रज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला अजार, ट्रैकोमा, नेत्र स्लेस्कमा और खुजली, एसटीडी और एसआईबी या एड्स, इंसेफ्लाइटिस, फिर लेप्टोसाइरोसिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, क्रैमी रोग, कुष्ठ रोग, इन सबसे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जितने भी आपके संक्रामक रोग होते हैं, इनके लक्षण क्या होंगे, बचाव क्या होगा, उपचार क्या होगा, ये जितने आपके रोग दिए गए हैं, इन तीनों बिंदुओं से सवाल पूछे जाएंगे। आगे इसमें जो दिया है, समुदाय में बीमारियों की जो है, बीमारों की देखभाल, इतिहास लेना, ठीक है, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं, ज्वर के बारे में पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण इसके संकेत क्या है, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप, इन सबकी जो है आपसे वो पूछ सकता है, यूनिट वगैरह, ठीक है। आगे इस पर चर्चा की जाएगी, स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका, घरेलू उपचार क्या है, दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा की अवधारणा, सामान्य चोटें और बीमारियां, कट और घाव, इनके प्रकार क्या है, सिद्धांत क्या है, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल क्या होती है, कैसे करते हैं, शिशु और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास, दुर्घटनाएं, उनका कारण क्या है, सावधानियां क्या बरते और उन्हें रोके कैसे, विशेष स्तनपान, विद्यालय स्वास्थ्य से सवाल होंगे, जैसे उद्देश्य, समस्याएं, कार्यक्रम और विद्यालय का वातावरण, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता, किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधित जानकारियां, भ्रूण और नाल, सामान्य गर्भावस्था में गर्भावस्था के चिन्ह क्या है, लक्षण क्या होते हैं, सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असामान्यताएं क्या है, गर्भपात, गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण, और आगे जो इसमें, ठीक है, लगभग जो 38 आपके एक तरीके से अध्यायों का जिक्र किया गया है, इन सभी अध्यायों के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छी देखरेख में सारी कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। आगे की परिचर्चा के लिए आपको डॉक्टर मैत्रीवास पे ही आपसे किसी दिन मुलाकात करेंगी और वो सारी चीजें आपसे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगी कि ये सारे जो आपके बिंदु हैं, देखिए एक बात बहुत अच्छी तरीके से मान के चलिए कि भैया इसका जो पेपर है बहुत जल्द ही होगा, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि दिसंबर में लेखपाल की तैयारी है, आपके पास समय कम है और संस्थान के द्वारा बैच आपका इसका शुरुआत कर दिया जाएगा। बैच की इंक्वायरी के लिए, बैच की डिटेल के लिए आप संस्थान के नंबर जो कि 2 नंबर है, ठीक है, इनको सुबह 9 AM से लेकर के आप रात 10 PM तक इन पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पहला नंबर है आपका 9129697080 और दूसरा जो आपका नंबर है वो है 9450006007। इन नंबर पर आप कॉल करके कोर्स के बारे में डिटेल मांग सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोर्स से संबंधित जो भी संस्थान देता है, पूरे के पूरे नोट्स, पूरे के पूरे वीडियो क्लासेस और साथ ही टेस्ट सीरीज। तो बिना देर किए आज ही आप सारे लोग अपनी तैयारी की ओर अग्रसर हो। आप सभी को भविष्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद। कर विजय, हो विजय, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।